नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 8 जनवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सैटरडे है तो वैसे तो चार ही आर्टिकल्स हैं, इसमें जो पहला आर्टिकल है वो है री एस्टैब्लिशिंग ओनरशिप ऑफ द मंडल स्पेस। तो ये जो मंडल स्पेस वाला आर्टिकल है इसको मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात कर रखी है, कास्ट की बात कर रखी है, हिंदुत्व के एजेंडा की बात कर रखी है। तो देखिए, इस प्रकार के आर्टिकल्स दिमाग खराब करते हैं और कुछ स्पेसिफिकली यहाँ पे सीखने वाला है नहीं, तो मैं इस आर्टिकल को स्किप कर रहा हूँ। एक आर्टिकल यहाँ पे फॉरेस्ट रेस्टोरेशन को लेके है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर दो बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो कि इस समय पे जिनके ऊपर बातचीत हो रही, एक तो कजाकिस्तान में जो बवाल हुआ है, कजाकिस्तान में भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में एक इन्फॉर्मेशन है, कजाकिस्तान से रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसको डिस्कस करेंगे कि कजाकिस्तान में इतना बवाल क्यों चल रहा है, अभी के लिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब है वो क्या कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी में रिसेंटली एक लैप्स देखने को मिला था। नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए थे, पंजाब से उनको फिरोजपुर जाना था, शुरुआत में उनको हेलीकॉप्टर जाना था, हेलीकॉप्टर वाली जो फ्लाइट थी वो रद्द कर दी गई, रीजन बीइंग कि मौसम ख़राब था और हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में कुछ एडिशनल प्रिकॉशंस रहे होंगे, क्योंकि रिसेंटली ही बिपिन रावत जी का इंसिडेंस हुआ है। तो इसके कंटेक्स्ट में एक कंटिंजेंसी प्लान था बैकएंड में कि भाई अगर हेलीकॉप्टर वेदर वाला कुछ इशू आ जाता है तो रोड से चले जाएंगे, लेकिन रोड से जाने में एकदम से एक जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे और मोदी जी का काफिला एक ब्रिज के ऊपर 20 मिनट तक खड़ा रहा। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी किसी एक जगह पे 20 मिनट तक रुक जाएं तो उनके ऊपर, उनकी जान के ऊपर अटेम्प्ट हो सकते हैं, और मोदी जी वैसे ही बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में बहुत सीरियस लैप्सेज हुए हैं जो कि बहुत सही नहीं है। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, केंद्र की सरकार की है, राज्य की सरकार की है, इसके ऊपर काफ़ी पॉलिटिक्स शुरू हो गई, इसको यहाँ पे समझेंगे। तो तीन आर्टिकल्स हैं, पिछले दो दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, कल भी और परसों भी ना ही मैंने एडिटोरियल बनाया और ना ही मैंने करंट अफेयर्स बनाया। पिछले दो दिन बुखार बहुत चढ़ा रहा, आज मुझे पता चला है कि कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ। तो फर्स्ट वेव में बचा रहा, सेकंड वेव में बचा रहा, लेकिन अब ये जो तीसरी वेव इंडिया के अंदर आ रही है इसमें सब मैं भी निपट चुका हूँ, तो मतलब कोविड पॉजिटिव हो चुका हूँ, बट ठीक है, वैक्सीनेशन लगी हुई है तो फीवर आ रहा है, बाकी कुछ ज़्यादा कोई खास एक्सट्रीम सिम्टम्स नहीं है। तो वीडियो वगैरह मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, आज विनी सर अवेलेबल नहीं थे, तो इस कंटेक्स्ट में आपका पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो लेट्स मूव ऑन विद इट, एडिटोरियल के बाद, इसके बाद आपको जो करंट अफेयर्स के लेक्चर है वो भी मिल जाएंगे। आप लोग बच के रहो, भयंकर तरीके से कोविड फैल रहा है इस समय पे, मोस्ट प्रॉब्ली ये ओमिक्रॉन वाली लहरी है जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मुंबई में तो हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली मुंबई से बाकी शहरों में भी फैलेगा, तो आप जहाँ पे भी हैं अभी से ही अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आर्टिकल की। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगा ऑन द बॉयल, प्रेजिडेंट टोकायेव मस्ट बिल्ड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल ऑफ कजाकिस्तान। ये पहला आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन, फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और लाइक बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करें तो इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। एक सवाल है मेरे पास आपके लिए, कजाकिस्तान कौन से साल में आज़ाद हुआ है, कजाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का ईयर कौन सा है, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। खैर अब सवाल मैंने शायद गलती पूछ दिया, जो कि इसी आर्टिकल में इसका आंसर आ जाएगा, बट फिर भी आर्टिकल को सुने बिना अगर आपको जवाब पता है तो अभी पॉज करो और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वैसे आपको पता होना चाहिए जो कि बहुत ही कॉमन सा सवाल है। बहरहाल आर्टिकल को शुरुआत करते हैं। 2 जनवरी को कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट ब्रेकआउट किए। आपको पता है जनवरी का महीना चल रहा है और कजाकिस्तान आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एक और सवाल है, कजाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है या नहीं है, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, वेदर इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, यस और नो। दूसरा, कजाकिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, कौन कौन से देश कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाते हैं, ये एक मैप एक्सरसाइज करके आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे थोड़ी बहुत आपकी मैप की प्रैक्टिस भी होगी। तो 2 जनवरी को भयंकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए कजाकिस्तान के अंदर और ये प्रॉपर पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल चुके हैं, और ये हुए हैं फ्यूल प्राइस हाइक की वजह से। नेचुरल गैस के दाम एकदम से कजाकिस्तान में बढ़ा दिए गए, और नेचुरल गैस कजाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे गाड़ी हो चाहे घर हो, ठंडी के समय पे जो हीटिंग वाला काम होता है वो नेचुरल गैस से होता है कजाकिस्तान के अंदर, और जब इसी गैस के दाम यहाँ पे बढ़ा दिए जाएंगे तो लोग त्राहिमाम करने लगेंगे, सड़कों पर उतर आएंगे, और एग्जैक्टली यही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि
कजाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कजाकिस्तान में एक इंडिविजुअल है जिनका नाम है नूर सुल्तान नजरबवेव। मैं आपको बता दूं 2019 के लगभग पे मैं कजाकिस्तान जब गया था तो उनका जो मेन सिटी है, जो कैपिटल सिटी है, उसको पहले अस्तना बोलते थे, ASTANA, लेकिन अस्तना के बाद उसका नाम बदल के रख दिया गया नूर सुल्तान। चूंकि जो ये नूर सुल्तान नजरबवेव थे ये बहुत पावरफुल लीडर हैं कजाकिस्तान के, 2019 में इन्होंने प्रेसिडेंसी जरूर छोड़ दी लेकिन अपने देश की कैपिटल का नाम अपने नाम पे रख दिया। उसके साथ साथ जो नए प्रेसिडेंट बने आपके कजाकिस्तान के, जिनका नाम था कासिम जोमार्ट टोकायेव, इनकी जो कैबिनेट थी ना, उनकी कैबिनेट में जो भी लोग बैठे हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि उन लोगों को नूर सुल्तान नजरबवेव ने ही बैठाया है। तो भले ही नूर सुल्तान नजरबवेव 1991 से, जब से कजाकिस्तान आजाद हुआ है, तब से लेके 2019 तक प्रेसिडेंट थे, 2019 में उन्होंने प्रेसिडेंसी छोड़ दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो कैबिनेट है, जो राज करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस चलता था नूर सुल्तान नजरबवेव का। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गुस्सा है ना, वो सबसे ज्यादा गुस्सा नूर सुल्तान नजरबवेव के ऊपर ही है, क्योंकि कजाकिस्तान में जबरदस्त किस्म का करप्शन है। ठीक है, सरकार वहां पे ज्यादा बदली है नहीं, एक इंसान का वहां पे जोर चल रहा है, और एक इंसान का जोर अगर एक लंबे समय तक एक जगह पे चलने लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी का 5 साल पहले राज चला, अभी 5 साल और राज चल रहा है। अब इस तरीके से मान लीजिए कि 25-30-40 साल तक राज चलता रहता है, जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे कजाकिस्तान में क्या हो रहा है कि भाई 1991 और 2019 तक एक ही आदमी गद्दी पर बैठा हुआ 28 साल से, तो बड़ा समय हो गया ना। और 2019 के बाद भी जो लोग गद्दी पर बैठ रहे हैं उनको नूर सुल्तान नजरबवेव बैठा रहे हैं। तो नूर सुल्तान नजरबवेव से बहुत ज्यादा लोग नाराज थे, और नूर सुल्तान नजरबवेव अपना सेल्फ प्रमोशन बहुत ज्यादा करते हैं, इन्होंने पूरे कंट्री में अपने स्टैचू बनवा रखे हैं। ठीक है, तो लोग नूर सुल्तान नजरबवेव से यहाँ पे बहुत नाराज थे, और पूरे रास्ते भर में उतर के स्लोगन्स कर रहे थे, नारे लगा रहे थे नूर सुल्तान नजरबवेव के अगेंस्ट में, इनकी स्टैचू बर्न कर रहे थे, मास गैदरिंग थी, वॉयलेंस हो रहा था। और इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट साहब हैं अभी, मिस्टर कासिम जोमार्ट टोकायेव, इनको भी एक पपेट समझा गया नूर सुल्तान नजरबवेव का। अब मिस्टर टोकायेव अभी के लिए प्रेसिडेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। तो सबसे पहले तो कासिम जोमार्ट टोकायेव ने क्या किया कि जितने भी लोग जो फेवरेट थे नूर सुल्तान नजरबवेव को, उनको हटाया, अपनी कैबिनेट को सैक किया, जो कि नूर सुल्तान नजरबवेव के बहुत सारे फॉलोवर्स मिस्टर टोकायेव की कैबिनेट में। सबसे पहले तो अपनी कैबिनेट को हटाया टोकायेव ने। बेसिकली टोकायेव यहाँ पे कजाकिस्तान के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो नूर सुल्तान नजरबवेव के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। जो फ्यूल प्राइस हाइक हुआ था, जो दाम बढ़े थे नेचुरल गैस के, इसके दाम को बढ़ने से रोका किसने यहाँ पे? मिस्टर टोकायेव ने, ताकि यहाँ पे बवाल ना होने लगे। इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन से यहाँ पे रिक्वेस्ट मांगी, मतलब मदद मांगी किसने? मिस्टर टोकायेव ने। अच्छा, रशिया से और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से कजाकिस्तान और मिस्टर टोकायेव क्यों मदद मांग रहे हैं? क्योंकि देखिए, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, अब इतने भारी मात्रा में प्रोटेस्टर्स को रोकना है तो आप आर्मी को डिप्लॉय करो, और कजाकिस्तान की खुद की आर्मी शायद सफिशिएंट नहीं हो रही होगी, इसलिए CSTO से यहाँ पे मदद मांगी। तो व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पे ट्रूप्स तो भेज दिए हैं, लेकिन ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है। कजाकिस्तान के लोग गरीब हैं, और COVID-19 पैंडेमिक का इफेक्ट कजाकिस्तान के अंदर ही आया है, क्योंकि मतलब अंदर भी आया है, टूरिज्म जैसी बहुत सी एक्टिविटीज कजाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट ठप हो गई, लोगों की नौकरियां गई हैं। ये अलग बात है कि कजाकिस्तान में ऑयल वेल्थ है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लोगों की सैलरी कम होना, वर्किंग कंडीशंस खराब होना, ये सब प्रॉब्लम भी कजाकिस्तान के अंदर है। तो अब चाहिए प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कजाकिस्तान के अंदर। तो मिस्टर टोकायेव के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। अपॉर्चुनिटी क्या है कि मिस्टर टोकायेव के ऊपर ये जो नूर सुल्तान नजरबवेव अपना चलाते हैं ना इन्फ्लुएंस, इस इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए ये बेस्ट पॉसिबल टाइम है मिस्टर टोकायेव के लिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने लोगों को ये भरोसा दिलाना कि भाई मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपके कहने के हिसाब से ही चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, इकोनॉमिक स्लोडाउन को कम करना, इन्फ्लेशन को काबू में लेके आना, ये कुछ ऐसी चीज़ है ओवरऑल जिसके चलते ये जो रूलिंग एलीट था, जो राज करने वाले लोग थे, इनके प्रति नाराजगी थी लोगों के अंदर। और उस नाराजगी कब फूट के बाहर आने की वजह ये कि जैसे फ्यूल प्राइस हाइक हुआ, एक चिंगारी सी मिल गई लोगों के अंदर, पूरा का पूरा बवाल यहाँ पे मच गया। तो इस चिंगारी को शांत करने के लिए
केवल फ्यूल प्राइसेस को कम करने से चीजें नहीं होंगी, ओवरऑल चीजों को रिप्रेजेंटेटिव बनाना होगा, प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी लानी होगी। पुराने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं नूर सुल्तान, नजरबायेव जैसे, इनका जो इन्फ्लुएंस है इसको यहाँ पे कम करना होगा। मिस्टर टोकायेव को लोगों के प्रति अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा, मिलिट्री को डिप्लॉय करने के बजाय लोगों को ये एश्योरेंस दिलाना कि सरकार आपके लिए सोच रही है, सरकार आपके लिए काम कर रही है। ये लोग जब तक नहीं अपने आप में सोचेंगे तब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो प्रेसिडेंसी की एक क्राइसिस के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है मिस्टर टोकायेव के लिए। ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हुआ ये बड़ा खतरनाक है। अल्माटी नाम के शहर में तो मेयर के ऑफिस तक में घुस गए यहाँ पे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे पॉलिटिकल लीडर्स को खुदा समझे लोग, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब लोग खुदा नहीं समझ रहे हैं, लोगों को जीने के लिए जब तक बेसिक मींस नहीं मिलेंगे लोग किसी को ना खुदा मानने वाले हैं। तो यहां पे जो भी अभी रूलिंग प्रेसिडेंट है टोकायेव, इनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, पुराने रिजीम के शैडो से बाहर निकलना पड़ेगा और जेन्युइनली यहां पे लोगों की मुसीबतों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आप बेलारस की तरह चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। बेलारस के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जब बवाल शुरू हुआ था तो बेलारस के प्रेसिडेंट ने क्या किया कि मिलिट्री फोर्स से बवाल को दबा दिया। यहां पे मिलिट्री फोर्स से बवाल को दबाने के बजाय लोगों की जेन्युइन इश्यूज क्या हैं उनको एड्रेस करना, उनसे बातचीत करना, कंसेंसस के बेसिस पे चीजों को सॉल्व करना, ये जरूरी है कजाकिस्तान के अंदर। तो आप सिर्फ मिनिस्ट्री के बेसिस पे चीजों को दबा के परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, ये इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। ना सीरियस लैप्स एंड इम्प्रूव्ड प्रोटोकॉल फॉर द पीएम ट्रेवल एंड अ रीपर्पसिंग ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन गुड माइट बी नेसेसरी। तो देखिए अभी क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में कुछ लैप्सेस आए थे। एक फ्लाई ओवर के उन पर जो इनका कन्वॉय था वो 20 मिनट के लिए खड़ा रह गया। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। और देखिए एक ब्लेम गेम भी शुरू हो गया था, चूंकि पंजाब में इस समय पर कांग्रेस की सरकार है और ऑब्वियस बात है हमारे मोदी जी बीजेपी के हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अब जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है वो पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगा रही है, पंजाब गवर्नमेंट उल्टा पलट के यूनियन होम मिनिस्ट्री के ऊपर इल्जाम लगा रही है। और दोनों ने ही अपनी अलग अलग कमेटियां अपॉइंट कर दी हैं इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी लैप्स को स्टडी करने के लिए। यूनियन होम मिनिस्टर ने अपनी खुद की एक अलग कमेटी बना दी है और स्टेट की सरकार ने अपनी खुद की एक अलग कमेटी बना दी है। और दो पैरेलल इंक्वायरी अभी के लिए चालू हो गई, जबकि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, यहां पे दो इंक्वायरी हो गई है। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंडे को इस पर्टिकुलर इशू को लेके एक डिस्कशन है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट दो पैरेलल इंक्वायरी नहीं, एक ही पैरेलल इंक्वायरी चलाएगा। ये सही नहीं है कि केंद्र की सरकार अपनी अलग इंक्वायरी चला रही है, राज्य की सरकार अलग इंक्वायरी चला रही है, क्योंकि मुद्दा यहां पे देश के प्रधानमंत्री का। देखिए देश के प्रधानमंत्री कुछ लोगों को पसंद है कुछ लोगों को नहीं पसंद है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन अभी के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, ठीक है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम है उनके प्रधानमंत्री होने से तो भाई वोट डालो और आप उनको हटा दो, लेकिन जब तक वो प्रधानमंत्री हैं तब तक उनकी सिक्योरिटी न केवल किसी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस प्रकार से अगर सिक्योरिटी लैप्स आता है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे केसेस में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार आपस में पॉलिटिक्स करें ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और खासकर तब जब पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर इस प्रकार के अटैक हो चुके हैं। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को गोली मारी जा चुकी है, इंदिरा गांधी जी याद होंगी, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर को मारी जा चुकी है, और हमारे खुद के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, इनको तक असैसिनेट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सिक्योरिटी के लिए एक बॉडी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसका 2020 में बजट 600 करोड़ था, इस साल भी 2021-22 में भी लगभग इतना ही होगा। 3000 पर्सनल्स इसमें हैं, एक से एक ट्रेंड, और इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन ओवरऑल यहां पे लैप्स कुछ और ही हो गया है। लैप्स यहां पे क्या हुआ है कि भाई पहले तो यह था कि एयरपोर्ट पे भटिंडा के एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के थ्रू फिरोजपुर जाएंगे, हेलीकॉप्टर के थ्रू इसलिए नहीं गए क्योंकि वेदर खराब था, तो कंटिंजेंसी प्लान रोड के थ्रू जाने का था। कंटिंजेंसी मतलब कि मान लीजिए अगर आपका एक प्लान फेल हो जाता है तो आप दूसरा इंप्लीमेंट कर देते हो, तो चूंकि हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए तो रोड से चले गए, ठीक है। तब भटिंडा से फिरोजपुर रोड का जो रास्ता है वो है लगभग आपका 100 किलोमीटर का, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये जो 100 किलोमीटर की जर्नी लेने का डिसीजन हुआ मोदी जी का, ये कौन से बेसिस पे लिया गया, इसके लिए हामी कब भरी गई, किस हिसाब से इसको एग्जीक्यूट किया गया, इस बात को यहाँ पे प्रोब करने की जरूरत है। चूंकि अभी के लिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार
दोनों इस बात को मान रही थी कि मान लीजिए अगर हेलीकॉप्टर से जर्नी नहीं हो पाती है तो उस केस में जर्नी रोड से होगी, लेकिन ओवरऑल जब हेलीकॉप्टर से नहीं हुई और रोड से हुई तो उसमें कहां पे मिसकम्युनिकेशन हुआ, कहां पे मिस इन्फॉर्मेशन हुआ, कहां पे मिस जजमेंट हुआ, इस बात को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। प्लस अभी के लिए बहुत सी रिपोर्ट ये बोल रही है कि जो प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको प्रधानमंत्री जी के ट्रेवल के शेड्यूल के बारे में पता नहीं था। अब प्रोटेस्टर्स रास्ते में ना आए, कहीं ना कहीं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखिए राज्य की सरकार की आती है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स को डील करना एक राज्य के अंदर राज्य की पुलिस का काम है, उसमें केंद्र की सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। ठीक, केंद्र की सरकार तब करती जब प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी टाइप की कोई चीज लगी होती, जो कि यहां पे नहीं लगा था। तो इस केस में कहां पे लैप्स हुआ है, कहां पे मिस इन्फॉर्मेशन हुई है, कहां पे मिस जजमेंट हुआ है, इस चीज की क्रेडिबल इंक्वायरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस इंक्वायरी के बेसिस पे एक ज्यादा एफिशिएंट प्रोटोकॉल निकाल के आना कि जब भी प्रधानमंत्री ट्रेवल करेंगे कैसा एफिशिएंट प्रोटोकॉल होना चाहिए, इस बात को डिवाइस करना भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया। ठीक है भाई, लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपना क्या इंसाइट देता है। एक और आर्टिकल जो आज का है इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, द बैटन ऑफ फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इन द नेट जीरो रेस। देखिए आपको पता ही है कि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और इसमें ये रखा गया कि बोला गया इंडिया के द्वारा कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो टारगेट हो जाएंगे। नेट जीरो मतलब कि हम जितना एमिशन कर रहे हैं उतना ही एमिशन हम अपने ग्रीन रिसोर्सेज के थ्रू न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। नेट जीरो क्या होता है मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूँ। अब ओवरऑल इंडिया को नेट जीरो करने में जो फॉरेस्ट है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली इस आर्टिकल में ज्यादातर फॉरेस्ट के बारे में ही बात की गई है, कोई बहुत कंक्रीट पॉइंट यहाँ नहीं दिया गया। फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को बताया गया, दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। अब अगर फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की जाए तो आज से फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस की बात नहीं की जा रही। इस आर्टिकल में ऑथर बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2013 REDD+, REDD मतलब रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, फॉर रिडक्शन एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसके साथ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर द कंजर्वेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स, इसके बारे में हमने 2013 में बात की। फिर ग्रिस्क्रॉम की 2017 में एक स्टडी आई जिसमें बोला गया कि जो लैंड बेस्ड सिंक है नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशंस, लैंड बेस्ड सिंक मतलब फॉरेस्ट की ही बात हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि फॉरेस्ट बड़े बल्क क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। आपको पता होना चाहिए ना अमेजन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा फॉरेस्ट है वो बड़ी हैवी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड सोक करते हैं और हैवी क्वांटिटी में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो जहां जहां पे भी फॉरेस्ट है वो आसपास के लंग की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो लैंड बेस्ड थिंग्स है ग्रिस्कॉम की स्टडी के हिसाब से बोला गया एमिशन रिडक्शन में 37% तक रोल प्ले करते हैं, और यही फॉरेस्ट आपके ग्लोबल टेम्परेचर के राइस को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक सकते हैं। तो ओवरऑल नेट जीरो की अप्रोच में फॉरेस्ट को रीस्टोर करना, फॉरेस्ट को बचा के रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इंडिया के अंदर ये काफी खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इंडिया में किस हिसाब से फॉरेस्ट रीस्टोर किए गए, किस हिसाब से नए फॉरेस्ट बनाए गए और किस हिसाब से फॉरेस्ट बर्बाद हुए, उसके बारे में कुछ व्यू पॉइंट ऑथर यहाँ पे दे रहा है। इंडिया ने पिछले 6 सालों में अपना फॉरेस्ट कवर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाया है। अगर आप स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 1989 देखें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 1989 में इंडिया के पास 257,409 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट इलाका था, जो कि इसके ज्योग्राफिकल एरिया का 7.83% है। ठीक है, अगर आप 2019 फास्ट फॉरवर्ड हो जाओ 1989 से 2019, 30 साल बाद, तो ये जो फॉरेस्ट का इलाका है ये इंडिया के अंदर हो चुका है 304,199 स्क्वायर किलोमीटर। तो 257,000 स्क्वायर किलोमीटर से लगभग 304,000 स्क्वायर किलोमीटर हो चुके हैं फॉरेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हर साल ऑन एन एवरेज हमारे देश के अंदर 1.57 लाख हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेड होते हैं। डिग्रेड मतलब वो फॉरेस्ट नहीं रहते, उनको हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? तो हो सकता है माइनिंग के लिए हटा दिया गया, और बड़े से फॉरेस्ट के नीचे कोल रिजर्व्स मिल गया हो, कोई डायमंड माइन मिल गई हो, सोना मिल गया हो, कॉपर मिल गया हो, बॉक्साइट मिल गया हो, कुछ भी मिल गया हो, तो भाई पूरा पूरा जमीन खोद देंगे, फॉरेस्ट हटा देंगे। इंक्रोचमेंट है तो फॉरेस्ट के इलाकों को एग्रीकल्चर लैंड में बदल दिया, या मान लो वहां पे कोई बिल्डिंग बनानी, स्कूल बनानी है तो फॉरेस्ट हटा दिया। ग्रेजिंग, फायर, बहुत सी चीजों की वजह से जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो लगातार कम हो रहा है।
लगभग अगर आप देखो तो 1980 से अब तक 15 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए डाइवर्ट किया जा चुका है, ओके, और लगभग 1.48 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है ना, लगभग 14,80,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को इनक्रोचर्स ने हटाया इस बेसिस पे कि भाई पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ज्यादा इलाके को एग्रीकल्चरल रीड्स के लिए लाके या फिर इंडस्ट्री वगैरह बना के वहां पे लोगों की मदद करना। तो इन प्रकार की चीजों के चलते देखिए हमारे देश में आबादी ज्यादा है, अब आबादी ज्यादा है लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो या तो ये लोग एग्रीकल्चर करें, तो बहुत सारे फॉरेस्ट तो एग्रीकल्चर के चलते यहाँ पे काट दिए गए। दूसरा किसी को इंडस्ट्री लगानी है गांव के इलाके में, कोई छोटे लेवल पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है, तो इसलिए भी फॉरेस्ट वगैरह काट दिए जाते थे। अब कहीं ना कहीं ओवरऑल लोगों का इस बात के ऊपर ध्यान जा रहा है कि नहीं भाई फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इनफैक्ट ये ध्यान बहुत पहले ही चला गया है और उस ध्यान के चलते फॉरेस्ट को थोड़ा बहुत बचाया भी गया है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फॉरेस्ट काटे भी बहुत जोर से गए हैं। तो देखा जाए पहले फॉरेस्ट वगैरह को काटा जाता था प्योरली कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव से, बाद में हमारी सरकार को समझ में आया कि भैया लोगों की जरूरत को एक पार्टिसिपेटरी मैनर से देखना है और फॉरेस्ट को भी कुछ लिमिटेड तौर पर प्रोटेक्ट करना है, तो लाई गई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। और इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू 1990 में प्लान बनाया गया कि लोकल कम्युनिटीज को पार्टनरशिप मोड में लाके हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने वेस्ट लैंड्स को मैनेज करेंगे। इसके लिए यहाँ पे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटियां बनाई जाएंगी जिसमें फॉरेस्ट के लोग होंगे, वो सिर्फ डेवलपमेंट और कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव से काम नहीं करेंगे, डेवलपमेंट भी हो, कॉमर्स के बेसिस पे लोग प्रॉफिट भी कमाएं, जो लोकल लेवल के लोग हैं उनको भी नौकरियां मिले, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फॉरेस्ट भी एक लिमिट से ज्यादा तबाह ना हो। और इस मॉडल के लिए ग्राउंड लेवल पे लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी था। बहुत सारी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, लगभग आप कह सकते हो कि 1.18 लाख ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, जो कि आप कह सकते हो 25 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया को आप कह लीजिए कि मैनेज करती थी। तो और ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी ना, इन कमेटियों को बनाने के लिए पैसा बहुत सारी जगहों से आया, सरकार की तरफ से भी आया, साथ साथ वर्ल्ड बैंक, ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड OECF जापान, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, हर जगह से पैसा आया। और ओवरऑल इन फॉरेस्ट को रिज्यूविनेट करने के साथ साथ जो नेशनल पार्क्स का मैनेजमेंट था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मैनेजमेंट था, टाइगर रिजर्व्स का ज्वाइंट मैनेजमेंट था, इन इको डेवलपमेंटल कमिटीज, देखिए एक तो थी ज्वाइंट फॉरेस्ट कमिटी जो कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी, साथ साथ फिर नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, इनका मैनेजमेंट, तो इसके लिए जो इको डेवलपमेंट कमिटीज बनाई गई थी, इनको आपस में सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की गई। दोनों का जो काम था, स्पेसिफिक काम, वो अलग अलग था, लेकिन इन सबको जोड़ के एक सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट निकालना जहां पे वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके और लिमिटेड स्केल पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी चलाई जा सके, एक मिडिल पाथ यहां पे ढूंढने की कोशिश की गई। इसके और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना, फॉरेस्ट फायर लगने से रोकना, ठीक है ना, अनसस्टेनेबल ग्रेजिंग होने से रोकना, ये सब चीजें भी यहां पे टारगेट्स थे। तो प्लान बहुत अच्छे चले, ठीक है ना, 1988 में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी उसके वजह प्लान तो जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट हुए, लेकिन धीरे धीरे इनका इंप्लीमेंटेशन रुका, फंडिंग की कई बार कमी हो गई, कई बार क्या है कि लोकल लेवल पे करप्शन हुआ, कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज ने सरकारों को घूस खिला के अपने प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करा लिया, जो ग्राउंड लेवल पे ट्राइब्स रहती थी उनको जबरदस्ती डिस्प्लेस करवा दिया, तो इस तरीके के कुछ लैप्सेस भी हुए हैं यहाँ पे। तो अब देखिए ऑथर यहाँ पे, मैं आपको एक और बात बता दूं, इस आर्टिकल में ऑथर चीजों को काफी कंफ्यूज भी कर रहा है, मतलब एक जो व्यू पॉइंट है ऑथर का वो समझ में नहीं आ रहा है। ऑथर ये भी बता रहा है वन पॉइंट ऑफ टाइम, वैसे मैं बता दूं कि जो मोहन चंद्र परगेन साहब हैं, ये बेसिकली एक सीनियर IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर है, तो इनको ठीक ठाक नॉलेज होगी, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे चीजें कैसे काम करती, तो प्रोग्राम्स क्या चलाए गए इन्होंने ये बता दिए, और ये प्रोग्राम सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहे ये भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया। एक बड़ी बात ऑथर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आप नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया को छोड़ दो तो बाकी जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, फायर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, कैंपा, इन सब में लोकल कम्युनिटीज के पार्टिसिपेशन को एंश्योर नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए ये स्कीमें भी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं की हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ रही है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं
कि भाई लोकल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी हो गया, अब इनसे कंसल्टेशन तो किया जाता है लेकिन प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में इनको पार्टनर नहीं बनाया जाता है। तो ऑथर बोल रहा है कि केवल आप लोकल लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है, ग्राम पंचायत, किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से आपने इनसे बातचीत कर ली, केवल बातचीत से नहीं होगा, प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले बातचीत करना और प्लान को इम्प्लीमेंट करते समय इन ग्राम पंचायत को पार्टनर बनाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा होता है तो मेन बाप बना होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कम्युनिटीज़ को यहाँ पे साइडलाइन कर दिया जाता है। लोकल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको साइडलाइन कर दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया के अंदर हो रहा है। अब चूंकि इंडिया ने 2070 तक अपने आप को क्लाइमेट न्यूट्रल और नेट ज़ीरो करने की बात की है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसमें फिर तेलंगाना के मॉडल को रेप्लिकेट करने की भी बात की गई है। जैसे रिसेंटली तेलंगाना में क्या हुआ है कि तेलंगाना ने अपने पंचायत और म्यूनिसिपल एक्ट्स को अमेंड किया, एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए ग्रीन फंड के लिए एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया, तेलंगाना हरित निधि, ट्री प्लांटिंग और रिलेटिव एक्टिविटीज के लिए प्रोग्राम चलाए, इस प्रकार के प्रोग्राम, ठीक है ना, तेलंगाना की सरकार के साथ साथ जितने भी राज्य हैं इंडिया के अंदर इन सबको चलाए जाने चाहिए। अब ऑब्वियस ही बात है कोई भी राज्य अगर इस प्रकार के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेगा तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जल्दी ऐसे राज्यों में आते नहीं हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक फाइन बैलेंस बनाने की ज़रूरत है डेवलपमेंट के बीच में, इकोनॉमी के बीच में, लोकल सस्टेनेंस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीज़ों को लेकर और जो ट्राइबल्स इन इलाकों में रहते हैं उनको लेकर, ठीक है ना। इसके लिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए जो कि बहुत लंबे समय से मिसिंग है। हालांकि चीज़ें मूव कर रही हैं, अब वो कितनी इफेक्टिवली मूव कर रही है और कब चीज़ें पॉजिटिव होंगी ये हमें नहीं पता है, बट वी कैन जस्ट बी होपफुल कि हाँ भाई चीज़ें ओवर द कोर्स ऑफ टाइम सही हो जाएंगी। तो ये था एडिटोरियल डिस्कशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जल्दी ही आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। हैव अ ग्रेट डे, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। गुड बाय।